जाना है हमको याद रखें, ठीक है। इसी तरह शैतान इंसान के दिल में वसवसा डालता है, ठीक है, कि बैतुल खला में ज्यादा देर बैठे रहे पैखाने में, क्योंकि ज्यादा देर बैठेगा बिल्कुल फ्रेश होके निकलेगा तू, एक ही खतरा पेशाब का निकाल दे फुला कर खामोखा बिठाएगा। और ये ऐसा मुकाम है जहां बैठ के पूरी प्रोग्रामिंग भी करता रहता आपको, क्योंकि वो अच्छी जगह तो है नहीं, अल्लाह का जिक्र तो हो नहीं सकता, तो ज्यादा देर बिठाएगा। उसके बाद जब इस्तंजा के लिए पेशाब के लिए जाएंगे, नहाने के लिए जाएंगे लंबन हिलाएगा, इस्तंजा पेशाब के लिए जाएंगे तो लंबी देर तक बैठने का हुक्म देगा। इसी तरह वो बोलेंगे अभी वजू लंबा कर, अभी वो है इस्तंजा आराम से कर, और नतीजा ये होगा कि फर्ज नमाज छूट गई, क्योंकि इनका वजू चल रहा है, तहारत ही चल रही है ना, एक बार पानी डाले इत्मीनान नहीं हो रहा, फिर खड़े फिर बैठे, फिर एक बार पानी फिर इत्मीनान, फिर खड़े बैठे, फिर एक बार पानी फिर खड़े के बैठे, नहीं फिर पानी पानी पानी, हालत ये कुछ लोगों की तहारत को जाके आए तो पूरे ऐसे हलकान होकर निकलते बाहर, पानी डाल डाल के परेशान। अगर बैतुल खला पैखाने के लिए चले गए तो धो धो के परेशान इतने होते हैं कि रैशेस हो जाते हैं, बॉडी छिल जाती है। हाँ मुझे पता है, बल्कि कुछ लोग इतना गुलू करते हैं कि कपड़े का इस्तेमाल करते हैं, पहले कपड़ा इस्तेमाल करते हैं, कपड़ा फेंकते, फिर टिश्यू इस्तेमाल करते हैं, टिश्यू फेंकते, टिश्यू के बाद पानी इस्तेमाल करते, पानी से मुतमइन नहीं होते, धोते बैठे रहते, ये वसवसे होते हैं। इसकी लिमिट नहीं है मेरे भाइयों, गौर से सुनिए मेरी बात। इसका मरीज जब फंस जाता है इन वसवसों में तो वसवसे आपको कहीं का नहीं रहने देते हैं, ये वसवसे इतना मजबूर करते हैं आपको कि आप मजबूर हो जाते हैं कि पेशाब और पैखाना आना आपको बर्डन लगता है कि क्या हो गया, अल्लाह आप मुझ पर रहम करे, अब कहां से 200-500 लीटर पानी मिलेगा, इतना लंबा तहारत करना है मेरे को, तो पेशाब जाना छोड़ देता है, पैखानों में जाना छोड़ देता है, मखसूस पैखाने और पेशाब खानों में जाता है, चूंकि उसको उतना इत्मीनान लगता है। शैतान के इस वसवसे से पहले झटके में बचिए, आप वजू में पानी कम कर दीजिए, इंशाल्लाह बाकी सब कंट्रोल हो जाएगा। शैतान को मौका मत दीजिए इसमें, याद रखिए, और वो फिर आपकी नमाजें छुड़ा देता है, इबादतें खराब करता है, ठीक है। السلام علیکم، آپ بھی ہمارے اس کام میں تعاون کریں اپنی زکوٰۃ اور صدقات کے ذریعے۔ ڈونیشن ڈیٹیل حاصل کرنے کے لیے ڈونیٹ اس پر کلک کریں۔ اگر آپ کو ہمارا ویڈیو پسند آئے تو اسے شیئر کریں اور ثواب کے حقدار بنیں۔ روزانہ ہمارے نئے ویڈیوز پانے کے لیے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں۔ ہم سے دیگر سوشل میڈیا پر جڑنے کے لیے ویڈیو میں دیے گئے IDs کو سرچ کریں۔ جزاک اللہ۔